आज है संडे और आज हम जा रहे हैं ट्रैकिंग पर। ट्रैकिंग स्टार्ट होती है नदी सनसेट व्यू पॉइंट से और हम जा रहे हैं गुना टेंपल तक, जिसके बीच में एक रिवर भी मिलती है। रिवर का नाम तो अभी नहीं पता हमें, बट बहुत अच्छा व्यू है इधर का। पत्थर भी हैं, इधर व्हीकल नहीं आ सकते क्योंकि बीच में लैंडस्लाइडिंग हो चुकी है, तो रास्ता खिसक गया है, तो हम लोग पैदल ही जा रहे हैं। वैसे यहाँ तक अगर रास्ता ठीक होता तो यहाँ तक गाड़ी से भी आ सकते थे, फिर यहाँ से हम ट्रैकिंग स्टार्ट करते, बट अच्छा लग रहा है, वेदर भी अच्छा है, सब कुछ है, थोड़ी धूप है पर मौसम ठंडा है, हवा चल रही है अच्छी। ये जंगल है, अच्छा लग रहा है, नीचे जाने का मन कर रहा है। श्रेया हेलो इसकी वजह से मैं नीचे जंगल में नहीं जा पा रहा हूँ। मेरा बहुत ज्यादा मन है कि मैं नीचे जाऊं और थोड़ा और एक्सप्लोर करूं। और हम रिवर पर आ चुके हैं, देखो आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पे कुछ रिजॉर्ट्स हैं और ये ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, मस्त बादल हो रखे हैं। और हम आपको भी दिखाते हैं, देखो ये सामने ब्रिज है। अभी हम ट्रैकिंग पॉइंट पे ही हैं, हम ऊपर से कैप्चर कर रहे हैं वीडियो, और ये देखो लोग इंजॉय भी कर रहे हैं, इधर बहुत सारे हैं, और सामने ब्रिज से होके हम नीचे ही आने वाले हैं। बस एक फाइनली हम आ गए हैं रिवर के ब्रिज पे। देखो लोगों की पार्टियां चल रही हैं, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। हाँ ओके, और ये है पहाड़ों का पानी, बहुत ही ठंडा है, इसमें ज़्यादा देर तक पैर डाल के नहीं रख सकते, एक मिनट से ज़्यादा पैर नहीं डाल सकते इसमें। और मस्त अब हम लोग थोड़ी देर यहाँ आराम करेंगे क्योंकि 3 से 4 किलोमीटर समथिंग पहाड़ों पे चल के आए हैं। हम दिखा देते हैं आपको थोड़ा, ये कहीं पीछे से आ रहा है पानी पहाड़ों से और मस्त ब्रिज है। छोटे से पत्थर पे मैं खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं कितना साफ पानी है एकदम, नीचे जमीन भी दिख रही है, पत्थर पड़े हैं जमीन अंदर पानी के, वो भी दिख रहे हैं। और यहाँ छोटे छोटे फिशेस भी हैं,
ये देखो आपको देख रही है, ये देखो पत्थरों के नीचे बहुत सारे हैं। अब रिवर के बाद ये रास्ता है ट्रैकिंग के लिए, जो कि अब हम गुना टेंपल के लिए जा रहे हैं। ओहो, अभी से चढ़ाई स्टार्ट हो गई, पता नहीं देखो आप जो ऊपर के लिए सीढ़ियाँ गई हैं, और शायद हमें उधर पीछे पहाड़ों होके जाना है, तो चलते हैं। ये जंगली है पूरा, बड़े बड़े पत्थर भी पड़े हुए रास्ते में, और अब हम गुना टेंपल की के लिए चढ़ाई कर रहे हैं, ट्रैकिंग पे हैं, और ये पहाड़ पे चढ़ना बहुत ही कठिन है। ये लड़की देखो सामने जा रही है, ये पहाड़ों से तो नहीं है, बट इसकी हरकतें कुछ पहाड़ों जैसी हैं, जैसे कि पहाड़ों में लोग रहते हैं। ओहो, ओ सही है, ओ बहुत, वो रिवर वो देखो बहुत नीचे रह गई है, हम लोग पहाड़ों पे ऑलमोस्ट बहुत ऊपर आ गए, लगता है यहाँ पे तो सर्दी भी होगी थोड़ी, क्लाउड पास में ही दिख रहे हैं। ये आपको साउंड आ रहा होगा, वैसे तो मैं ब्रीथ बहुत तेजी से करूँ तो उसी का साउंड आ रहा होगा, लेकिन ध्यान से देखो पानी का भी साउंड आ रहा है, यहाँ पे झरना गिर रहा है नदी का, वो नीचे रिवर है जहाँ से हमने अभी चढ़ना स्टार्ट किया है। अच्छा है ये पहाड़ी लोग हैं जो हमें अभी अभी रास्ते में मिले थे, यहाँ आराम कर रहे हैं। अरे ये तो ये क्या कर रही है, मैं अभी आया हूँ, मुझे आराम तो करने दे, मैं आया हूँ पीछे से तो उठ के चल दी। ओहो, ओ इधर तो DTH भी लगा हुआ है, दिख रहा है मेरे को ऊपर, वाह ये लोग पहाड़ों में बैठ के भी आज तक देखते हैं। ओहो इतने ऊपर आके भी कैफे खोला है, एक कैफे है, रीड रिलैक्स एंड प्ले। ओ ऊपर भी है कुछ रिजॉर्ट आपको दिख रहा है, ये पहाड़ी लोग कहाँ कहाँ पे जगह ढूंढते हैं। हाँ
ऑलमोस्ट हमने चढ़ाई कवर कर ली है, बट अभी भी है। आप नीचे देख सकते हो ये रास्ता दिख रहा है, पहाड़, ये गोने वाली माता का मंदिर का गेट है। और देखो यहाँ कितने ऊपर आके इन्होंने घर भी बने हुए हैं, कुछ इनके घर भी बने हैं। उनका आने का रास्ता और सेम वो ही है, बहुत चढ़ना पड़ता ऊपर, देख लो बहुत ऊपर है। अभी यहाँ से 45 मिनट का रास्ता और है, बट ठीक है, अब इतनी चढ़ाई नहीं है शायद, अंकल जी बोल रहे थे। लोग इस ट्रैक पे ज़्यादा नहीं आते हैं क्योंकि जो लोग लॉन्ग स्टे करते हैं वो आते हैं, जो वीकेंड पे 2-3 दिन के लिए आते हैं, वो ट्रेंड का ट्रैकिंग पे ही जाते हैं मोस्टली, इधर तो नहीं आते। ओहो आप देख रहे हो कितना गहरा है, ऑलमोस्ट हमने सारी चढ़ाई कंप्लीट कर ली है। अब थोड़ी बहुत चढ़ाई है, फिर ढलान है। तो और यहाँ क्लाउड भी है, बिल्कुल पास है, आप देख रहे हो कितना क्लाउड्स कितने अच्छे लग रहे हैं। तो श्रेया हम जहां से आए थे देख रहे हैं क्या वो? हाँ हम कहीं उधर, वो सामने पहाड़ी से होते हुए आए थे, बहुत दूर है। और यहाँ के लोग कहते हैं ये तो बहुत छोटा सा ट्रैक है, आप जल्दी ही करके वापस आ जाओगे, बट छोटा तो नहीं है, बट ठीक है, अच्छा है, नाइस। फाइनली हमको गोने देवी का टेंपल दिखाई दे रहा है, वो देखो दिख रहा है आपको वो। अब हमें ऊपर से यहाँ से चढ़ते हुए फिर नीचे उतरना पड़ेगा, फिर देखते हैं हम किस रास्ते से घर जाएंगे। होप्स हो कि मुझे तो यही लगता है कि पहाड़ी लोग कहाँ आके घर बनाते हैं, रिजॉर्ट बनाते हैं इतने ऊपर ऊपर आके, कैसे कंस्ट्रक्शन होता हुआ इनका। वो देखिए बहुत सारे रिजॉर्ट्स हैं, रास्ते हैं। सर हम इस वाले रास्ते से ही जाएंगे अब, बहुत ही सकरा रास्ता है। और यहाँ से 20 मिनट का रास्ता और बचा हुआ है, हमें जल्दी जैसे कवर करना है क्योंकि वापस भी आना है। लोग यहाँ से देखो वापस आने लगे हैं, बट अभी हम जा ही रहे हैं, तो जब तक हम वापस आएंगे रिवर के पास अंधेरा हो जाएगा। कल तेरे को जो कांटा लगा था ना, मुझे भी लगा, बहुत तेज करंट लगा वो तो, बाप रे। पागल में जीप से नहीं लगा रहा, ये पकड़। ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हम, थोड़ा बहुत 10 मिनट का रास्ता होगा शायद। जय गुना देवी। ओके ये गुना माता का बोर्ड लगा है, मंदिर परिसर में आपका हार्दिक स्वागत है। ओके ओ पहाड़ी तू भी ओ हाँ।
अब जैसे भी दिखती है ना कि थोड़ा और चढ़ना है, बस ऐसा लगता है कि ये लड़की नहीं थकती यार। ये पहाड़ी लोग हैं, भेड़ बकरी चरा रहे हैं यहाँ पे यार, सही में। ओ एलियन रुक जा, यहाँ की गवर्नमेंट को थैंक यू कि सारा रास्ता पक्का बना रखा है, सीमेंटेड है, पत्थर लगे हुए हैं, बट कच्चा रास्ता नहीं है। फाइनली वी हैव रीच्ड, टेंपल दिख रहे हैं और वन साइड की ट्रैकिंग कंप्लीट हुई। अभी एक साइड से और जाना भी है हमें वापस। देखो आप वो सामने पहाड़, जय माता दी। और ये हम मंदिर के अंदर एंट्री कर रहे हैं, प्रसाद भी ले लिया है हमने, चुन्नी भी ले लिया माता के लिए, और ये जो सामने पहाड़ी है आपको दिख रही है, ये धौलाधार रेंज है, ये हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में से एक पर्वत श्रृंखला है। अभी क्लाउड से ढक रखी है, लेकिन बहुत ऊंची है। मुझे तो ये वाली सामने वाली जो मैं जूम कर रहा हूँ, ये जो सामने वाली है ये बहुत ऊंची है, बहुत ऊंची है।